आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। अलीगढ़ के थाना दहली गेट क्षेत्र के जंगलगढ़ी में एक नवविवाहिता की ससुरालियों ने दहेज में कार न मिलने पर गला दबाकर हत्या कर दी और शव को फंदे पर लटकाकर भाग गए। पड़ोसी महिला को फंदे से उतारकर जीएन मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के बाद मायके पक्ष के सुपुर्द कर दिया है और पति सहित 8 ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पति को गिरफ्तार कर लिया है। फरजाना पुत्री अली निवासी खाईडोरा ऊपरकोट कोतवाली का निकाह गत 18 अगस्त को रिजवान निवासी जंगलगढ़ी दहली गेट के साथ हुआ था। पिता अली ने बेटी के ससुरालियों को उनकी मांग के अनुसार दहेज दिया था। इसके बाद रिजवान जैसे ही फरजाना को विदा करा के घर ले गया, उससे कार की मांग करने लगा। यह बात फरजाना ने फोन पर अपने परिजनों को बताई तो उसके पति सही ससुरालियों को समझाया गया। इसके बाद भी वह नहीं माने और फरजाना के